न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां देव तालाब विधायक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी ये साबित कर दे कि उनके द्वारा दी गई स्वेच्छा निधि की राशि उन्हें नहीं मिली बल्कि अमीरों को दी गई है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे, वो पद से इस्तीफा भी दे देंगे। वीडियो वायरल होते ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि वीडियो एकदम सही है। उन्होंने कहा कि देव तालाब के हटवा गाँव में जनसभा कर रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि निधि के द्वारा जारी की गई राशि उन्हें नहीं मिली, उनके आदमियों ने इस राशि का उपयोग कर लिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सारा पैसा आरटीजीएस के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इसके बाद भी लोग अपनी बातों पर अड़े रहे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि उनको पैसे नहीं मिले तो वो राजनीति छोड़ देंगे और विधानसभा का कोई भी वोटर उन्हें वोट ना दे। चुनाव का माहौल चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र राहुल गौतम भी जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 27 से सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं और आदर्श आचार संहिता के दौरान ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रतिक्रिया भी लोग खूब कर रहे हैं और इसे वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर जोड़ा जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है वीडियो और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस मामले में क्या कहा है। आधे में गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चुनौती देता हूँ, हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ, यदि खाते में पैसा मिल गया, इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? मंजूर है? मंजूर है? मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक भी मैं चुनौती दे के जाना चाहता हूँ। माता बहनों, एक वोट नहीं चाहिए, जिसको तबीयत हो उसको दे लेना। यदि सारे लोगों का पैसा आरटीजीएस में नहीं गया तो खाते में नहीं गया उनके, तो ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, अभी अभी जयंती फैसला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ चेक से या नगद हाथ से किसी को पैसा गया हो तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि आरटीजीएस से नहीं गया पैसा, तो खाते में पैसा नहीं गया तो कैसी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज, हम मान लेते हैं, अभी इसका छानबीन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए मेरे पास, कल आइए, जब आप बोलिए तब हम आ जाते हैं। आ जाइए ना जी, बिल्कुल आइए। और ये जनता को भी जानना चाहिए कि कौन बरगला रहा है, इनको भी जानना चाहिए, इनको भी जानना चाहिए ना कि कौन बरगला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है महाराज जी, सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है। कड़वी नहीं है, झूठ कड़वा होता है। आप झूठ बोल रहे, इसे कड़वा है। हम एकदम सच, आप नहीं सच नहीं बोल रहे, मैं चुनौती दे रहा हूँ, स्वीकार करिए ना। स्वीकार है, स्वीकार करिए, स्वीकार है। यदि आरटीजीएस से पैसा गया है, इस गांव का एक वोट फिर दूसरे को नहीं जाना चाहिए, चुनौती में आपको एक भी नहीं जाएगा। ये तय है, तय हो गया, तय हो गया हमारा आपका, तय हो गया। यदि इस गाँव के भीतर आरटीजीएस से खाते में पैसा नहीं गया तो एक वोट गाँव का नहीं चाहिए। यदि आरटीजीएस से गया है तो किसी दूसरे को भी पैसा नहीं, तो वो एक भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, चलो नहीं जाएगा। यही हो जाए हमारा आपका, यही हो जाए सुरेंद्र सिंह, यही हो जाए। आप बड़े हैं, छोटे हैं, चुनौती नहीं, छोटा नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ ना, छोटा चुनौती में स्वीकार कर रहे हैं। चुनौती में छोटा बड़ा नहीं लगता पंडित जी, चुनौती में छोटा बड़ा नहीं लगता, चुनाव में छोटा बड़ा नहीं लगता। कोई 70 साल का लगता है, कोई 35 साल का लगता है। वो हमारे पक्ष का वीडियो है और उनको पता नहीं, जिनने किया वायरल वो शायद उनके खिलाफ जाएगा। एक जगह मैं जनसंपर्क में था तो कुछ लोग, आप जानते हैं चुनाव का समय है, किस तरह के लोग कुछ बीच में मिल जाते हैं जो पूरे बैठक को या तो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं या भ्रमित करके रखते हैं लोगों को। अच्छा था, वहाँ पर बैठे थे। एक सवाल आया कि हमने कहा कि काफ़ी लोगों को इसी ग्राम पंचायत के भीतर 100 से 125 लोगों को मैंने शिक्षा मान के पैसा दिया है, विधायक निधि से भी दिया है और स्पीकर निधि से भी दिया है, गरीबों का जिनका हुआ है उनको दिया। तो वो बोले कि गरीबों को नहीं मिलता, अमीरों को मिलता है और आपके आदमियों के जेब में जाता है, फिर उनकी तबीयत आती तो बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, कैश वाला तो सिस्टम ही नहीं है, सरकार ने ही नहीं बना के रखा है, तो ये कैश का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक का भी हम ही ने बंद कर दिया, अब तो सीधे आरटीजीएस होता है। तो वो कहे कि नहीं साहब, आरटीजीएस नहीं हुआ, किसी को नहीं गया है। तो हमने कहा कि हमने 147 लोगों को दिया, सबका आरटीजीएस हुआ है। तो एक चुनौती की मुद्रा में वो हो गया कि नहीं किसी को नहीं गया है, तो फिर मैंने चुनौती दे डाली।
और मैंने कहा कि मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की नहीं करता, और मैं चुनौती देता हूँ और आज भी देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ चुनौती कि मेरे दिए भाई पैसे में कोई एक पैसा दिखाता है तो मैं राजनीति से बाहर चला जाऊँगा, मैं ऐसे राजनीति करने वालों में से नहीं, आज फिर चुनौती दे रहा हूँ। आपने कहा था इस्तीफा भी दे दूँगा। हाँ इस्तीफा दे दूँगा। हाँ हाँ नहीं नहीं ये भी कहा कि नहीं तय ये हुआ है, अभी कल फिर जा रहे हैं आप, चलिए आप लोग कल फिर जा रहे हैं, तय हुआ कि कल का तारीख तय हुई है, हम 4 बजे आएंगे, जिनको पैसा मिला है वो बता देंगे कि नहीं हमारे खाते में नहीं आया है। तो मैंने कहा कि फिर हमारा जो 2 पत्ती का चुनाव हमारे करने उसको वोट मत देना, मैंने खुद अपने खिलाफ़ वोट मांगा है, और मैं जानता हूं कि कल वो नहीं रहेंगे, ये चुनौती देने वाले कल नहीं रहेंगे उस मीटिंग में, मैं जा रहा हूँ 4 बजे। किस गाँव की बात है ये और कौन लोग थे? अटवा सुरैहान है वहाँ का है, कोई एक दो लोग थे, सब नहीं थे, सब तो बेचारे खड़े थे हाथे में था, वो तो बल्कि यूँ कह रहे थे कि ऐसा क्यों बोलते हो पैसा मिला, वही ये सूची मेरे पास है इसीलिए निकलवा रहा हूँ। जैसे दवाई कराते रहते हैं लोग ना, तो जैसे बढ़ गए, जैसे मुख्यमंत्री शिक्षण दान उसी तरह से स्पीकर शिक्षण दान, विधायक शिक्षण दान होता है, पहले विधायक शिक्षण दान 15 लाख होता था, अभी सरकार ने 50 लाख कर दिया, हालांकि 50 लाख मिला नहीं है, 15 लाख आया है, पर 50 लाख बजट में घोषणा हुई है, अब प्रत्येक विधायक को 50 लाख मिलेगा, उसी में से देना अपने को। RTGS होगा उससे उस पंचायत का ये करीब 1.5 से 2 लाख से ऊपर होगा, 2.5 के आसपास होगा, 2.5-3 लाख। जब चुनौती देता हूँ कि मैं ईमानदार राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा साबित हो जाए कि ये पैसा नहीं हमको नहीं मिला, उनका कहना था कि आपके कार्यकर्ताओं ने ले लिया, तो मैंने ये कहा कि RTGS से नहीं गया, RTGS मतलब उसके खाते में नहीं गया, उनका यह था कि आपने कार्यकर्ताओं को दे दिया, कार्यकर्ता अपने जेब में डाल दिया, उसको नहीं गया, हितग्राही को नहीं गया, तो मैंने कहा कि मैंने RTGS किया है, अब RTGS उसके खाते में नहीं गया है, यदि नहीं गया है तो मुझे इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए।